जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश व एक कांस्टेबल घायल। उत्तर प्रदेश पुलिस का बदमाशों के विरुद्ध ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। बीती रात जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जनपद के टॉप 10 अपराधी का अवैध शस्त्र व बाइक सहित गिरफ्तार किया। इस विषय में अपर पुलिस अधीक्षक संभल आलोक कुमार जायसवाल ने बताया कि असमोली थाना अध्यक्ष रणवीर सिंह अपनी टीम के साथ असमोली मडन रोड पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने रुकने की जगह पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कांस्टेबल घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश भी गोली लगने से घायल हो गया। घायल हुआ बदमाश नखासा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो कि टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी शामिल है और गोकशी की घटनाओं में शामिल रहता है। ये आज जो है एसओ असमोली मड़न रोड पे गश्त कर रहे थे, इनको दो आदमी मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखे। इनको रोकने का जब प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, इसमें एक बदमाश को गोली लगी। बदमाशों के फायरिंग से हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ है। जो है बदमाशों की जब जानकारी करी गई, जो है ये इसमें से जो बदमाश घायल हुआ है वो वकील सनाफ शरीर चुकंदी सराय नखासा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये मुख्य रूप से गोकशी के अपराधों में लिप्त रहा, छात्र अपराधी रहा, जिले में यूनिट टॉप 10 का अपराधी भी है ये, जिसको सभी अस्पताल भेजा गया, बाकी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर।